जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ वाराणसी, जो कि संस्कृत खंड का पहला पाठ है। और इस पाठ का मैं आपको लिखित हिंदी अनुवाद बताऊंगा और साथ ही ऐसे तरीके से आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगा जो आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप वीडियो के द्वारा अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे और साथ ही आप वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संस्कृत खंड का पहला पाठ है, वाराणसी पाठ का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इसका मैंने सरल हिंदी अनुवाद, इसका लिखित हिंदी अनुवाद का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा जो गद्यांश है, वाराणसस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसका लिखित हिंदी अनुवाद क्या होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर देना। यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसस्याम अर्थात वाराणसी में प्राचीन कालादेव गेहे गेहे, प्राचीन कालादेव अर्थात प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे अर्थात घर घर में, विद्यायाम और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विद्याया दिव्यम ज्योति दोतते अर्थात विद्या की, दिव्यम अलौकिक, विद्या की अलौकिक ज्योति क्या हो रही है, प्रकाशित होती रही है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम् प्रवाहति। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको हिंदी अनुवाद नहीं रटना पड़ेगा। अधुना अपि अर्थात यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस समय भी, अधुना अपि इस समय भी, अत्र अर्थात यहाँ, संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी की, संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी की धारा सततम अर्थात निरंतर प्रवहति यानी बहती है। अधुना अपि अर्थात यहाँ, इस समय भी यानी इस समय भी, यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है, सततम प्रवहति अर्थात निरंतर बहती है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयति, जनानाम अर्थात मनुष्यों का, ज्ञानात यानी ज्ञान, वर्धयति बढ़ाती है, यानी इस समय संस्कृत वाणी यानी आप लोग ध्यान देंगे, इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का यानी लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने चा इदानीं निरता। अत्र मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अत्र अर्थात यहाँ अनेक, अनेके यानी अनेक आचार्य मूर्धन्या अर्थात उच्च कोट के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य अर्थात वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्ययन और अध्यापने चा अध्यापने, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अध्यापने चा इदानीम निरतः अर्थात अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। आगे आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ना केवलम भारतीया अर्थात ना केवल भारतवासी ही, यानी केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी, यहाँ पर वैदेशिका माने होता है विदेशी,
गिरवाण वाणिया अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। गिरवाण वाणिया माने होता है संस्कृत भाषा। गिरवाण वाणिया यानी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र अर्थात यहाँ, आगच्छन्ति माने होता है आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, निःशुल्कम च विद्या ग्रहणन्ति। निःशुल्कम अर्थात और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, विद्याम ग्रहणन्ति यानी विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र अर्थात यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिसमें एसुम नवीनाम, जिसमें नवीनाम अर्थात नवीन और प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः, अर्थात जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसकी लिखित व्याख्या मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप जब नोट्स बनाओ या बोर्ड परीक्षा में लिखो तो सबसे पहले आप जो है गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख दीजिएगा। फिर संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। हिंदी अनुवाद आप काले पेन से हेडिंग डाल देंगे, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रहती है या होती रही है, इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोट के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्या यानी काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो ये हो गई इसकी लिखित व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे चौथा यहाँ पर गद्यांश क्या है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह जो गद्यांश है बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों यह गद्यांश कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है, तीसरा यहाँ पर गद्यांश है, सॉरी आप लोग ध्यान देंगे चौथा मैंने कह दिया था। तो ऐसा नगरी, ऐसा नगरी अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासतः। इत एव अर्थात यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत साहित्य और संस्कृति का, मेरे प्यारे बच्चों संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासतः यानी संस्कृति का प्रकाश सब जगह, आलोकः अर्थात प्रकाश सर्वत्र यानी सब जगह, प्रासतः यानी फैला था। मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराजा, मुगल युवराज दारा शिकोह ने यत्रागत्य यानी यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत् यानी भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सातेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ। सातेषां यानी वह उनके ज्ञान से, ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया, यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाः
यानी पारसी भाषायाम कारिता, उसने क्या किया कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। मेरे प्यारे बच्चों इसकी लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, यानी इसका लिखित हिंदी अनुवाद क्या होगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आप गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लीजिए, फिर गद्यांश के अंतिम के शब्दों को लिखिए, फिर संदर्भ तो वही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी अभी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के यानी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, तीसरे गद्यांश का भी मैंने लिखित हिंदी अनुवाद आपको बता दिया है, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगला गद्यांश है चौथा गद्यांश, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अर्थात इयम यानी यह नगरी अनेक विविध धर्माणाम यानी अनेक धर्मों के संगम स्थली माने होता है मिलन का स्थान है। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध तीर्थकरह पार्श्वनाथा, तीर्थकरह पार्श्वनाथा और मेरे प्यारे बच्चों शंकराचार्य, शंकराचार्य कबीरह कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहुवा महात्मानाम अत्रागत्ते स्ववियान विचारान प्रसारयन, अन्य चा बहुवान मेरे प्यारे बच्चों तथा अन्य अनेक बहुत से यानी अन्य अनेक यानी अन्य बहुत से क्या महात्माओं ने यहाँ आकर अत्रागत यानी यहाँ आकर स्वभियान, स्वभियान माने होता है मेरे प्यारे बच्चों अपने विचारों को, विचारान यानी विचारों को प्रसारयन अर्थात विचारों को फैलाया। ना केवलम दर्शने, ना केवलम दर्शने यानी केवल दर्शन साहित्य, साहित्य में धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके देशुतः। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु अपितु किसमें कला क्षेत्र में यानी कलाओं में भी और शिल्पों के लिए यह नगरी जो है क्या है, यह नगरी विश्व में यानी लोक में प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रहान्ते। मेरे प्यारे बच्चों अत्रत्या यानी यहाँ की बनी हुई कौशेय शाटिका यानी रेशमी साड़ियाँ देशे देशे यानी देश विदेश में सब जगह सर्वत्र यानी सब जगह क्या की जाती हैं, स्प्रहान्ते यानी पसंद की जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों अत्रत्या प्रस्तार मूर्तया प्रथिता इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानमपि परिपालयति तथैव गीते कवि भी, कवि ने क्या कहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आप लोग जो है सरल हिंदी अनुवाद यानी लिखित हिंदी अनुवाद देख लीजिए। संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों सेम वही रहेगा, इस पाठ का कोई भी गद्यांश हो हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल देंगे, हिंदी अनुवाद क्या होगा, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी क्या है, अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के अंतर्गत एक श्लोक दिया गया है जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मंगलम मरणम यत्र विभूति अग्र
विभूषणम, अर्थात जहां मरना क्या है, जहां मरना है कल्याणकारी, और जहां की भस्म क्या है, जहां की भस्म विभूत यानी भस्म क्या है, आभूषण है, आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, और जहां लंगोटी रेशमी होती है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो इसका लिखित हिंदी अनुवाद भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले तो आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लीजिएगा, फिर अंतिम के शब्द को लिख लीजिएगा। संदर्भ सेम वही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, यहाँ पर गद्यांश नहीं होगा, श्लोक होगा, क्योंकि यह श्लोक है और हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी अनुवाद आप लोग लिखित हिंदी अनुवाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिज्ञ विभूषणम, जहां मरना कल्याणकारी है और जहां भस्म आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, जहां लंगोटी रेशमी होती है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना एक बार, और आपका यह पहला पाठ कंप्लीट हो चुका है। संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है वाराणसी, यह कंप्लीट हो चुका है। लिखित हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो पाठ है आपका अनियोक्ति विलास यानी अनियोक्तियों का सौंदर्य, आपको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा लिखित हिंदी अनुवाद के साथ। आप अपनी नोट्स बना पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। आप सभी लोगों का यह कर्तव्य है, अपनी नोट्स भी बना लेना। जय हिंद।